हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो नॉइस का कलर फिट आइकन बस स्मार्ट वॉच है, इसके अंदर कॉलिंग फीचर को कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे यूज करना है और कितने टाइप के कॉलिंग फीचर इसके अंदर दिए गए हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली इसके अंदर दो टाइप के कॉल फीचर्स दिए गए हैं। पहला कॉल फीचर है जिसमें आपको सिर्फ कॉल के नोटिफिकेशन आएंगे, मतलब अगर आपको कोई कॉल करेगा तो इस स्मार्ट वॉच पे आपको इसके बस नोटिफिकेशन आएगा, कॉल अलर्ट आएगा। आप उस कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो स्मार्ट वॉच के थ्रू, बट आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप उस पर बात नहीं कर सकते, मतलब स्मार्ट वॉच के थ्रू आप बात नहीं कर सकते। और जो दूसरा तरीका है उसके अंदर उसे आप इनेबल करते हो तो उसके अंदर आप इस स्मार्ट वॉच के थ्रू कॉल पे बात भी कर सकते हो, इस स्मार्ट वॉच के थ्रू आप आउटगोइंग कॉल भी डायल कर सकते हो, आप यू नो कॉल रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो ये दो तरीके हैं बेसिकली, तो हम दोनों तरीकों को पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला वाला तरीका देखेंगे जिसके अंदर हम कॉल के अलर्ट्स को कैसे इसमें इनेबल कर सकते हैं, अगर कोई आपके नंबर पर कॉल करता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके स्मार्ट वॉच पर कैसे आती है, पहला वो तरीका हम देखेंगे। उसके लिए आपको इसका जो एप्लीकेशन है नॉइस फिट ट्रैक, इससे इस स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर लेना है। ये देखिए मेरा स्मार्ट वॉच कनेक्टेड है आइकन बस। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे ये जो फोन का ये ऑप्शन है इसको क्लिक करना है और इसको ऑन करना है। जो भी परमिशन मांगेगा आपको ग्रांट करनी है, अलाउ अलाउ अलाउ। अब ये हो गया, अब ये आपका कॉल नोटिफिकेशन इनेबल हो गया। अब इस सेटिंग में ये होगा कि अब कोई भी आपको आपके नंबर पे इस मोबाइल पे कॉल करेगा तो उसका कॉल अलर्ट आपको स्मार्ट वॉच पे भी आएगा। एक बार मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ इस नंबर पे कॉल करके। कॉल कर दी मैंने, ये देखिए इस पे कॉल आ रहा है और यहाँ पे भी कॉल आ रहा है। तो ये देखिए, ये इसमें मैं सिर्फ कॉल रिजेक्ट कर सकता हूँ, कॉल एक्सेप्ट का ऑप्शन कैंसिल है। अगर मैं इस पे कुछ क्लिक भी करूँगा ना तो कुछ नहीं होगा, मतलब यहाँ से हट जाएगा और कॉल यहीं पे रहेगा। तो इस सेटिंग में आप सिर्फ कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो, आपको सिर्फ कॉल का नोटिफिकेशन दिखेगा, ये पता चलेगा कि हाँ कोई कॉल कर रहा है। तो अब हम लोग वो वाला सेटिंग देखेंगे जिसके अंदर हम स्मार्ट वॉच के थ्रू कॉल को उठा भी सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं और इस स्मार्ट वॉच के थ्रू कॉल डायल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये जो एप्लीकेशन है इसकी जरूरत नहीं होती, अगर आप इसे नहीं भी कनेक्ट करोगे तो भी चलेगा। आपको सिंपली अपने ब्लूटूथ में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है, देखना है कि आइकन बस फोन करके लिखा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपको सर्च में आइकन बस फोन का एक सेटिंग मतलब ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करके स्मार्ट वॉच से पैर करना है। ये देखिए पैर का सेटिंग आ जाएगा, आपको सीधे पैर कर देना है। ये देखिए हमारा पैर सक्सेसफुल हो गया। अब देखते हैं हमारे यू नो स्मार्ट वॉच पे कॉल का ऑप्शन आता है। ये देखिए डायल पैड आ गया, अब हम इस पर कॉल डायल करेंगे, आउटगोइंग कॉल जा रही है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी कॉल लग चुकी है। तो अब मैं आपको इस नंबर पे कॉल करके डेमोंस्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि इनकमिंग कॉल आती है तो क्या ऑप्शन आता है। ये देखिए मैंने इस नंबर पे कॉल किया तो यहाँ पे भी कॉल आ गया, और जब आप वो दूसरी वाली सेटिंग ऑन करते हो तो इस तरीके से आपको दिखता है। यहाँ से आप कॉल रिजेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप कॉल पिकअप कर सकते हो, यहाँ से इसका वॉल्यूम है। एक बार मैं कॉल उठा देता हूँ, ये देखिए मैंने कॉल उठा दिया कॉल पे। यहाँ से आप इसकी यू नो वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, ज़्यादा कम कर सकते हो। और ये वाला जो ऑप्शन है इसकी मदद से आप जो कॉल को है अपने मोबाइल पे डाइवर्ट कर सकते हो। अब अगर मैं इस पे यू नो क्लिक करूंगा तो अब मेरी आवाज़ जो होगी इस मोबाइल के थ्रू जाएगी, इसके थ्रू नहीं जाएगी, तो मैं इससे बात नहीं करूंगा। अगर मेरे को वापस से स्मार्ट वॉच पे यू नो कॉल को लेके आना है तो मैं सिंपली इस पे प्रेस कर दूंगा। और ये अगर मेरे को कॉल पे कॉल को म्यूट करनी है तो मैं यहाँ से म्यूट भी कर सकता हूँ। तो जैसे कि हमने दोनों तरीके आपको बता दिए, अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से दोनों में से जो भी फीचर आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो सेटिंग को ऑन करके। अगर आपको कॉल पे बात करनी है तो आप कॉल जो आइकन बस फोन वाला ऑप्शन है उसको सेट कर सकते हो या फिर उससे कनेक्ट कर सकते हो। और आपको सिर्फ कॉल के नोटिफिकेशन चाहिए, आपको कॉल पे बात नहीं करनी है स्मार्ट वॉच से, आपको सिर्फ यू नो कॉल के नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप दूसरी वाली सेटिंग या फिर जो पहली वाली सेटिंग थी वो यूज़ कर सकते हो। होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन क्लियर है। अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर कोई यू नो इशू आ रहा है आपके स्मार्ट वॉच में तो हमसे शेयर कर सकते हो, हम ट्राई करेंगे। अगर हमें कुछ आइडिया है उस बारे में तो हम आपसे इन वो नॉलेज शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।